ओके तो क्या सो सारे यार, होप करता हूँ सारे के सारे बढ़िया होंगे। और मेरे को पता है कि आप लोगों का नेटवर्क खत्म हो चुकी है या फिर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, और इसीलिए गाइस आप लोगों को ऑफलाइन गेम थोड़ा मोड़ा डाउनलोड करके रखना होगा, है ना? सही पकड़े हैं। तो भाई चलो इस वीडियो को एंड तक देखो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बोनस गेम भी बताऊंगा एंड पे जाके, उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। काफी बढ़िया गेम होने वाला है एंड सभी गेम काफी अच्छे होने वाले। सभी गेम को वॉच करो, जो गेम अच्छा लगता है आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। एंड गाइस और एक बात की मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफी सारे बंदे वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट करो ताकि मेरे को भी थोड़ा सा मजा आए, मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आ सकूं। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं नंबर 5 गेम के बारे में। तो नंबर 5 पर जो गेम आ रही है इसका नाम है 3D ड्राइविंग गेम। दोस्तों इस गेम के बारे में शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। देखो ये जो गेम है ना, बेसिकली एक बंदे ने बनाई है, मतलब कोई भी कंपनी ने इस गेम को क्रिएट नहीं किया। एक 16 ईयर का लड़का है जो कि कुड़िया पे रहता है, तो भाई उन्होंने इस गेम को बनाया। तो आप लोग समझ सकते हो भाई 16 ईयर्स ओल्ड बॉय इस गेम को बना दिया है भाई, कसम से बता रहा हूँ। मेरे को, मैं तो शॉक्ड हो गया था ऐसे, मतलब इतना अच्छा गेम कैसे बना दिया भाई। इस गेम के अंदर आपको इतना अच्छा ग्राफिक्स देने को मिलता है ना, आप लोग जब खेलोगे तब आपको पता चलेगा। एंड इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार नहीं बल्कि बास भी देने को मिल जाती है। जगह इस काफ़ी सारे बास यहाँ पर आप चला पाओगे, SUV कार चला पाओगे, काफ़ी सारे सुपर कार आप चला पाओगे। एंड इस गेम के अंदर ग्राफिक्स भी सच में मेरे को बहुत ज़्यादा मजा आ गया। एंड इसके अंदर कैमरा एंगल भी आपको अलग अलग देखने को मिल जाती है, आप अंदर से भी चला सकते हो, बाहर से भी चला सकते हो। आपको यहाँ पर 3 कंट्रोल भी देखने को मिल जाती है, टील कंट्रोल, स्टैंडिंग कंट्रोल एंड बटन कंट्रोल आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया गेम ये होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों एक ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाती है, यहाँ पर स्नो एरिया आपको देखने को मिल जाती है, रियलिस्टिक रोड आपको देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार गेम होने वाला है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो। एंड इस गेम का जो साइज है वो 200 MB के आसपास होने वाली है। एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो चाहो तो ट्राई करने या लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 गेम के बारे में। तो नंबर 4 पर जो गेम है इसका नाम है राफ्ट सर्वाइवल DN। दोस्तों ये जो गेम है ना बेसिकली एक डिजर्ट एरिया पर बेस्ड है। देखो यहाँ पर बेसिकली आपको सर्वाइव करना पड़ता है एंड यहाँ पर आप फ्लाई भी कर सकते हो, मतलब आसमान में उड़ भी सकते हो। तो ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगा, ग्राफिक्स बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस गेम का जो साइज है ये बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है, 77 MB गेम का साइज है। एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस इसको डाउनलोड करो, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। यहाँ पर बेसिकली आपको सर्वाइव करना पड़ता है, यहाँ पर जो उड़ वगैरह होती है या फिर जो भी रिसोर्सेज आपको कलेक्ट करने को मिलता है आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। या पर आप खाना वगैरह ढूंढ सकते हो, एनिमल को किल कर सकते हो और साथ ही साथ आपके सामने काफ़ी सारे डेंजरस क्रिएचर्स देखने को मिल जाएगा, तो उसको या पर आप किल करोगे नहीं तो भाई आप बच नहीं पाओगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर्स आपको देखने को मिलेगा। उस अगर आप नहीं मारोगे तो भाई वो आपको मार देगा, ठीक है? तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होने वाली है, काफ़ी मज़ेदार गेम है, चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 3 गेम के बारे में। तो नंबर 3 पर जो गेम है इसका नाम है ट्रेन सिमुलेटर प्रो 2018। दोस्तों ये जो गेम है ना बहुत दिन पहले रिलीज हुआ था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप में से काफ़ी सारे बंदे शायद इस गेम के बारे में नहीं जानते हो। देखो दोस्तों ये शायद मतलब लिंक मिल जाएगा कॉमेंट सेक्शन पे, जाके एक बच्चे का वो जरूर से कर लेना। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 गेम के बारे में। तो नंबर 2 पर जो गेम है इसका नाम है ऑफ रोड। जय गाइस हाई ग्राफिक्स और ऑफलाइन गेम खेलना चाहते हो भी ऑफ रोड गेम, तो गाइस मेरे को लगता है कि आप लोगों को ये गेम ट्राई करना चाहिए, क्योंकि भाई इतना अच्छा गेम मैंने भी नहीं देखा था। ये जो गेम है ना जब पहली बार प्ले स्टोर पर आया था कुछ अलग दिख रहा था, लेकिन हाल ही में इसके अंदर एक ऐसा अपडेट आ गया जिस अपडेट की वजह से भाई इतना अच्छा ग्राफिक्स हो गया ना, आप लोग सोच भी नहीं सकते। बहुत ही ज्यादा कमाल के एंड अल्ट्रा HD ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेगा इस गेम के अंदर। इस गेम के अंदर आप लोग थार चला पाओगे, जो ऑफ रोड कार है ना थार, इंडिया के अंदर पॉपुलर है, वो कार यहाँ पर आप चला पाओगे। एंड इसके अलावा और भी काफी सारे कार आपको देखने को मिल जाती है एंड उसका फुल कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो 4 अलग अलग ऑफ रोड लोकेशन देखने को मिल जाती है। फिलहाल उसको अनलॉक करने के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉइन चाहिए होंगे, तो थोड़ा सा मिशन कंप्लीट करके आप लोग कॉइन आन करके उस प्लेस को भी अनलॉक कर सकते हो। एंड इस गेम को चलाने के लिए कम से कम आपके पास 3GB रैम का डिवाइस होना चाहिए, अदरवाइज भाई लो एंड डिवाइस है तो भाई लैग करेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है हाई ग्राफिक्स है तो थोड़ा सा लैग कर सकता है। एंड इस गेम का जो साइज है वो लगभग 500 MB के आसपास होने वाली है। जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है, तो बस एक बार डाउनलोड करो, उसके बाद आप जितना चाहो उतना खेल सकते हो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नंबर 1 गेम के बारे में। तो नंबर 1 पर जो गेम आ रही है इसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। दोस्तों इस गेम के बारे में शायद आप लोगों को पता होगा, लेकिन मेरे को ना कमेंट आ रहा था कि भाई कुछ ऐसा स्पाइडरमैन गेम लेकर आओ जिसको हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाए। तो भाई फाइनली ये जो गेम है ना आपको प्ले स्टोर कर देने को मिल जाएगा। 700 MB गेम का साइज है, जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। एंड इस गेम के अंदर काफ़ी सारे मिशन आपको देखने को मिल जाएगा। देखो बेसिकली होता क्या है ना कि आप लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू कर सकते हो, मान के चलो किधर भी यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया या फिर किधर
भी फायर लगा हुआ है। तो गाइस आपको क्या करना है, बचाना पड़ेगा। स्पाइडरमैन का जो काम होता है ना, लोगों को बचाना पड़ता है, तो सेम चीज़ यहाँ पर आपको करने को मिलता है। काफ़ी सारे मिशन आपको देखने को मिल जाएगा एंड यहाँ पर आप काफ़ी सारे फाइटिंग मूवमेंट कर सकते हो। मतलब आपके पास अलग ही एक पावर होता है, आपको पता ही होगा कैसा पावर है, स्पाइडरमैन का जो पावर है उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉन्स्टर क्रिएचर्स वगैरह आएंगे, उसके साथ यहाँ पर आप फाइटिंग कर सकते हो। तो चाहो तो एक बार ट्राई कर लो यार, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं बोनस गेम के बारे में। तो इस गेम का नेम है थिफ्ट सिमुलेटर। जी हाँ गाइस, अगर आपको चोरी करना है, मतलब गेम के अंदर चोरी करना है, तो भाई आप लोग इस गेम को ट्राई कर सकते हो। ये जो गेम है ना, बेसिकली टेक्नो गेमर्स ने खेला था कुछ दिन पहले। मतलब ये जो गेम है ना, बेसिकली कंसोल डिवाइस के लिए है, पीसी, PS4, PS5 के लिए है एंड फाइनली मोबाइल फोन पर भी आपको देखने को मिल जाती है। 600 MB गेम का साइज है एंड जो गेम है पूरी तरीके से ऑफलाइन है। यहाँ पर काफ़ी अच्छा अच्छा मिशन आपको देखने को मिल जाती है। मतलब आपको लोगों के घर में जाना है, उधर से भाई कुछ भी यहाँ पर चोरी कर सकते हो एंड उसको बेचकर आपके पास पैसे आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होने वाला है। डिसेंट ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। आप लोग चाहो तो एक बार ट्राई कर लो यार, मजा आ जाएगा गेम खेलने के टाइम पे। मेरे को तो मजा आया था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ये गेम आप लोगों को कैसा लगता है। एंड गाइस ये था आज की वीडियो एंड होप करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ चुकी है। अगर पसंद है तो भाई एक लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर देना यार, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और भी देखने के लिए। तो चलो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अच्छे रहना, ख्याल रखना, बाय बाय।